दोस्तों इस्तकबाल है आपका नजरिया न्यूज़ में एक बार फिर, और उर्दू किताब मेले में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और दीगर और कौन सी यूनिवर्सिटी है सर आपके साथ? जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पट्टियाँ बांट रहे हैं कि एनआरसी और सीएए के खिलाफ। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, छोटे बच्चे भी, इन्होंने कई लोगों को पट्टियाँ पहनाकर अपना मुखालफत दर्ज कराई है यहाँ पर, तो इन्हीं से बात करेंगे कि जिस तरह से ये तहरीक पूरी तरह से जोर पकड़ रही है हिंदुस्तान में सीएए और एनआरसी के खिलाफ, तो आइए उन्हीं से बात करेंगे। जी इस्तकबाल है आपका, क्या नाम आपका? सरफुद्दीन खान। कहाँ से आप? जी मैं अलीगढ़ से हूँ। मैं अलीगढ़ से, मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं ओल्ड बाज हूँ अलीगढ़ का, यहाँ पे अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ बॉम्बे में ही। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये दो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं काफी जिम्मेदार नजर आए पूरे हिंदुस्तान में, जिन्होंने इस तहरीक को मुल्क गिर तहरीक बना दिया है, पूरे हिंदुस्तान की तहरीक बना दिया है इन्होंने। क्या कहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स है मुमरा कौसा में, कितने जागरूक है लोग? काफी जागरूक हैं, और ये सिर्फ मैं अलीगढ़ और जामिया की बात नहीं करूंगा, चाहे अलीगढ़ हो, जामिया हो, जेएनयू हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, आज जो पूरा स्टूडेंट विंग हिंदुस्तान से वो सारे लोग इसके लिए अभी सड़कों पे उतर आए हैं, ठीक है, पूरा इसका एहतजाज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली जामिया और अलीगढ़ के लोग कर रहे हैं, हम लोग भी इसके लिए जितना भी हम लोग कोशिश कर पा रहे हैं, लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और काफी लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं मुमरा के, जितने भी वो लोग भी इसके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये भी एक छोटा सा हमारा प्रोसेस ये है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एक एहतजाज हम लोग दर्ज करा रहे हैं। सुदीन भाई, जिस तरह कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसके जो युवा होते हैं, नौजवान होते हैं, उनके ऊपर उनका इन्हसार पूरी तरह से होता है, क्या मैसेज देंगे उर्दू जबान के ताल्लुक से भी और इस कानून के ताल्लुक से भी पूरे स्टूडेंट्स को, क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज यही है कि आज के टाइम पे जितना भी युवा है वो पूरी तरह से इसे अवेयर है, और उसको पता है कि ये अगर आ जा, ये जो सीए लेकर के, गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें सिर्फ मुसलमान का नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें दलितों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। वो एक बंदा है जिसके पास में, जो एक गरीब आदमी है, जो रोजी रोटी कमाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, जो दहाड़ी मजदूरी पे कहीं काम कर रहा है, उसके पास अपना रहने का घर नहीं है। कोई बंदा होता है वो फ्लड में उसके सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो जाते हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट कहाँ से लेकर के आएगा? तो इसमें सिर्फ मुसलमान का नुकसान नहीं है, इसमें दलितों का नुकसान है, उसमें हर एक आदिवासी का नुकसान है। तो उसमें हर एक बंदे को साथ में आना चाहिए, और लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सारा स्टूडेंट हिंदुस्तान से आजकल सारे यूनिवर्सिटीज के जितने भी लोग हैं सब जुड़ चुके हैं इसके साथ में, रोड पे आ चुके हैं, और हमें उम्मीद है बहुत जल्द से जल्द गवर्नमेंट इसे अपना इसको वापस ले। तमाम वॉलंटियर से गुजारिश है कि आगे क्या नाम आपका? और मैं गवर्नमेंट से मेरी यही डिमांड वापस ले इस कानून को, जो कि संविधान के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, हमारे भाईचारे के अगेंस्ट है। जो रिक्शा कमीशन था वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं इस काले कानून के थ्रू, और शाहीनबाग में इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, 70 साल 80 साल की माएँ, छोटे छोटे बच्चे, दादियाँ, सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का बिल्कुल उस तरफ ध्यान ही नहीं है, मतलब अंधी हो चुकी है गवर्नमेंट। और मेरी हम लोगों की यही कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द हो सके गवर्नमेंट इस काले कानून को वापस ले। और जैसा कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने बोला कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो ये पूरा डिक्टेटरशिप दिखा रहा है, ये मतलब ये इस तरह का लीडर कि ये जबान नहीं हो सकती है कि हम एक इंच पीछे नहीं हट सकेंगे, एक इंच आगे नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने लोगों, जो जनता से गवर्नमेंट होती है उसी से देश चलता है, ऐसा नहीं कि हिटलरशाही कर रहे हो आप, तो ये मतलब हम इसके फुल्ली अगेंस्ट हैं। और यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट, हमारे बहुत सारे भाई वहाँ शाहीनबाग में दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि यहाँ पे लोग अवेयर हों, और इस एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमारी माएँ और भाई लोग अपने हाथ में बांध कर कहीं भी जा रहे हैं, तो ये इससे शो कर सके कि हम वी आर अगेंस्ट दिस लॉ, और गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके इस कानून को वापस ले। सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं मेहमान है, 2 मिनट यार दूर से प्रोटेस्ट कर रहे हो, बोल के निकल जाऊंगा मैं, 2 मिनट का काम है भाई मेरा। सर एक बात यह है कि उर्दू जबान को आज एक तरह से ग्रांटेड तौर पे ले रही है हमारी कौम,
और जिस तरह से आपकी गुफ्तगु भी उर्दू में है, क्या कहेंगे, उर्दू जबान के लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि यही वजह है तहजीब से दूरी की आज इतनी हिम्मत हो गई कि एनआरसी और सीए जैसा कानून लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? उर्दू जबान एक्चुअली जबान का बहुत ज़्यादा ये नहीं है, तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो संस्कृत हो, उर्दू हो, और हर जबान को फ़रोग देना चाहिए। हमारे बाप दादाओं की जबान है, चाहे वो संस्कृत हो, उर्दू हो, हिंदी हो, हर जबान को तरजीह देना चाहिए। किसी जबान को ऐसा नहीं कि हाँ उसको बायकॉट हो, उसको फुल्ली ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारे बाप दादाओं की जागीर है और उसको हमें पर देते रहना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।